कंकाल, क्या है कंकाल। आप देखें कंकाल जो है स्केलेटन सिस्टम जो है, स्केलेटन जो सिस्टम है मनुष्य का, कंकाल तंत्र दो भागों में बटा है, एक अक्षीय कंकाल है और एक आपका उपांगी कंकाल है। अक्षीय कंकाल एक्सियल स्केलेटन हम बोलते हैं, शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को हम अक्षीय कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षीय कंकाल। कंकाल कितनी तरह का होता है? दो तरह का। इसके अंदर खोपड़ी, केशयुक्त दंड और छाती और अस्थियां आती हैं। और जो आपका उपांगी कंकाल है उसमें जो है वो निम्न भाग है, जैसे पाद अस्थियां हैं आपके हाथ पैरों की, मेखलाएं हैं मनुष्य के अगर अग्र अग्र पाद और दूसरे कंकाल है। अगर आप इसको अच्छे से समझें तो यहाँ पे मैं एक हल्का सा इसके पिक्चर के माध्यम से आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप पाएंगे कि आपका ये जो सिस्टम है, जो आपकी जो ये आपका स्केलेटन स्केलेटन जो है वो आपका इस तरह दिखाई देता है। किस तरह दिखाई देता है? इस तरह। आप देखें इसमें वहां पे आपने पढ़ा कि दो तरह का है और दो तरह के आखिर जो भाग है, जो मुख्य भाग है वो उसके बारे में उसने कहा कि उसके दो भाग हैं। और यहाँ पे आप देखें कि ये जो ये आपकी क्या है? खोपड़ी। क्या है? खोपड़ी। और यहाँ पे ये आपकी क्या है? रिब्स। ये क्या है? रिब्स। और यहाँ पे ये आपका टीबिया, यानी घुटने के नीचे वाली जो हड्डी है उसका नाम क्या है? टीबिया। और इस जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है उसका नाम है फीमर। क्या है? फीमर। यानी इस घुटने से लेके यहाँ इसके बीच की जो हड्डी होती है उसे बोलते हैं हम फीमर, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। जब बच्चा पैदा होता है तो कितनी हड्डियां होती हैं? 300। कितनी होती है लगभग? 300। ये हड्डियां सारी कंबाइंड होती हैं आपस में और ये बाद में जो कुल हड्डियां जो बच जाती है वो कितनी होती है टोटल? 206। वैसे तो कंकाल आदमी जब मर जाता है, ये कंकाल कितना जरूरी है? इस कंकाल की ये है शरीर का हार्डवेयर। क्या है? हार्डवेयर। इस हार्डवेयर में जो है ये हार्डवेयर किसका बनता है? ये हड्डियां किसकी बनती है? कैल्शियम। किसकी बनती है? कैल्शियम। मैं आपको बताऊं कि हड्डियों के अंदर पोर होता है, हड्डियों के अंदर क्या होता है? पोर। उस पोर के अंदर क्या भरे रहते हैं? लवण। क्या भरे रहते हैं? लवण। जो हड्डियां होती है इनके जो अंदर जो होता है वो भरा होता है लवण। क्या भरा होता है? लवण। ये जैसे पोटेशियम सोडियम जाकर ये लवण जो होते हैं वो आपके शरीर के इस भाग में अंदर इस पोर में भरे होते हैं। वहां से हम बात कर रहे थे मेरुरज्जु की, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? आपका मेरुरज्जु है। और ये एक सिस्टम, जैसे यहाँ पे ये वाला सिस्टम है और रीढ़ की हड्डी का लास्ट यहाँ पे ये जुड़ता है और हम इसे बोलते हैं स्केलेटन। क्या बोलते हैं? स्केलेटन। इसमें बड़ी हड्डी है और सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो होती है कान की। किसकी होती है? कान की। आप देखें जो कान की है जिसे ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ी सबसे छोटी हड्डी है उसका नाम क्या होता है? स्टेपीज। क्या होता है? स्टेपीज। जोर से क्या होता है? स्टेपीज। हाँ, स्टेपीज। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो हड्डी है दैट इज फीमर और सबसे छोटी हड्डी है कान की। और सब जो टीबिया है ये कहाँ पाई जाती है? घुटने के नीचे जो ये वाली हड्डी है इसे बोलते हैं टीबिया। क्या होते हैं? टीबिया। तो इसके आगे ये तो था आपका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के माध्यम से जो मैंने आपको बताया कि आपका जो स्ट्रक्चर है कैसे ये काम करता है। उसके आगे जो है अगला टॉपिक जो है जो हम पढ़ेंगे उसमें हम चलेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने यहाँ देखा आगे अक्षीय कंकाल में, तो आगे आप देखें यहाँ पे मेखला, मनुष्य के अग्र भाग में पश्चिम पाद को अक्षीय कंकाल और साधने के लिए दो चाप पाए गए हैं जिन्हें मेखला कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेखला। कुल हड्डी 206 है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो जांघ की हड्डी जिसे हम फीमर बोलते हैं और शरीर की सबसे छोटी हड्डी जिसे कान की हड्डी। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट, इसे बोलेंगे ग्लैंड्स। क्या बोलेंगे? ग्लैंड्स। यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम, वहीं पे जो तंत्र है, तंत्रों में एक और तंत्र आ गया और उसका नाम यहाँ पे बन गया हमारे पास दैट इज कॉल्ड, कौन सा तंत्र है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। यानी बोलने का अर्थ है आपके शरीर की जो ग्रंथि है उसके ऊपर ये बात करेंगे। तो इसमें ग्रंथियां क्या होती हैं, ग्लैंड्स क्या होती हैं? आपके शरीर के अंदर ग्लैंड है और ग्लैंड दो तरह के हैं। कितने तरह के? दो तरह के, एक बाहरी और एक आंतरिक। यानी कि एक बाहर से आपको सामने दिखाई दे जो ग्लैंड जो सामने दिखाई देते हैं या बिल्कुल सामने से जो है वो वहां पे छोड़ते हैं कुछ ना कुछ, और एक वो है जो अंत है जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन आपके अंदर के शरीर से अंदर वाले पार्ट से वो वहां पे ग्रंथियां जो है वो कोई ना कोई रस छोड़ रही हैं, उसे बोलते हैं तंत्र की ग्रंथियां। एक बाह्य स्रावी ग्रंथियां और एक अंत स्रावी ग्रंथियां। बाह्य स्रावी ग्रंथियां जो होती हैं इनसे निकलता है एंजाइम। क्या निकलता है? एंजाइम। वो जो अंत स्रावी ग्रंथियां होती है उनसे निकलते हैं हार्मोन। क्या निकलते हैं? हार्मोन। ये जो हार्मोन होते हैं इनके इम्बैलेंस से क्या होता है, शरीर में कोई ना कोई फॉल्ट पड़ जाता है। ज्यादातर अंतःस्रावी ग्रंथियों से
कोई ना कोई फॉल्ट पड़ सकता है अगर वो प्रॉपर काम ना कर रही हो। और अंतस्थादी भी जो बाहरी है वो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल दुग्ध ग्रंथि, मां का दूध पिया, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि आंखों से पानी निकलता है, श्लेष्मा कानों से निकलता है, लार ग्रंथि जो मुंह से लार निकलती है उसे हम बोलते हैं ग्रंथि। क्या बोलते हैं? ग्रंथि। अंतस्थादी ग्रंथि क्या होती है? ये नालिका विहीन, ये नालिका विहीन ग्रंथि है, इसमें कोई नलियां नहीं होती हैं, इससे हार्मोन का स्राव होता है। ये हार्मोन रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जैसे पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, परा अवटु ग्रंथि, ये सारी ग्रंथियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि अगर मैं वैसे बात करूं कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो वो है यकृत। कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी है? कौन सी बड़ी? कौन सी है? अब इस पे हम आगे पढ़ेंगे। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है आपकी यकृत। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जो बाहरी स्थावी ग्रंथियां हैं, अब ये आपको ज्यादा समझ में आएगा जब मैं आपको इसको एक पिक्चर के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है, मैं अगर बात करूं बाह्य ग्रंथि की, सबसे पहले हम बाह्य ग्रंथि की बात करें तो बाह्य ग्रंथि में जो है हमारे पास, बाह्य ग्रंथि में आप देखें तो यहां पे आप देखें जो बाह्य ग्रंथि हमारी है उसके अंदर आप देखें यहां पे, तो ये सारी की सारी जो ग्रंथियां जो आपको यहां पे दिखाई दे रही है, जैसे मुंह से बात करें, इसे सबसे पहले लिखा मुख गुहा। ये जो मुंह है आपका, यहाँ से लार ग्रंथि निकलती है। क्या निकलती है? लार। कई तरह की लार निकलती है, समोसा खाने की अलग है, रसगुल्ला खाने की अलग है, पनीर खाने की अलग है, ठीक है। और अगर आप कुछ और गलत फल खाते हैं तो उसकी लार ग्रंथि अलग है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो शरीर में। लेकिन कुछ जो चीजें हम खाते हैं उसमें बहुत ज्यादा चीजें हम ऐसे खाते हैं जिसकी लार निकलती नहीं है, इम्बेलेंस हो जाती है, कोई और तरह की लार बन जाती है। उसके बाद जो है आपकी देखो ग्रसनी है, कर्णपूर ग्रंथि है ना, उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे मुख्य रूप से बात करें तो आपके पित्ताशय, यहाँ पे ये वाली ग्रंथि है, आपका हृदय है वहां पे ग्रंथि है, आपके यहाँ पे ये जो आपका किडनी वाला सिस्टम है, ये सारी अगर हम इसकी बात करें कि ग्रंथियों में अगर हम बात करें तो ये जो ग्रंथियां हैं जो बाहरी है जो आपको दिखाई दे रही है उनमें जो जो पाया जाता है, ठीक है, जो जो पाया जाता है और जो जो आप समझते हैं उसमें जो ग्रंथियां होती हैं उसे हम बोलते हैं बाह्य ग्रंथि। क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रंथि। उसी के चक्कर में अगर हम देखें यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे पहले मैं बात करूं, मैंने पहले आपको जो मुख्य बताया ज्यादातर क्वेश्चन अंतःस्रावी ग्रंथि में आता है, बाह्य ग्रंथि तो मैंने आपको बताई। अंतःस्रावी ग्रंथि में आप देखें तो यहाँ पे जो सबसे पहले मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। ये कहाँ पे पाई जाती है? आपके दिमाग में। कहाँ पे आती है? दिमाग। प्यूटरी ग्लैंड, दैट इज द प्यूटरी ग्लैंड जो आपके दिमाग में प्रमस्तिष्क में पाई जाती है। उसके बाद जो है, और ये काम क्या करती है इसके ऊपर बात करेंगे, तो दिमाग जो है वो सारा कंट्रोल करता है, सारी चीजें वो करता है, उसके ऊपर ये है। उसके बाद है जो आपकी थायराइड ग्रंथि है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लंबाई नहीं बढ़ती है, शरीर इम्बेलेंस हो जाता है, ये सारी चीजें जो है वो आपकी कहाँ पे होती है? थायराइड में। कहाँ पे होती है? थायराइड में, जो गले में होता है। उसके बाद बिल्कुल आपके हार्ट के पास जैसे वहां पे आती है आपकी पैराथायराइड। क्या है? पैराथायराइड ग्रंथि। और जहां पे अधिवृक्क ग्रंथि, बिल्कुल आपकी जहां पे किडनी है उसके पास जो है वहां पे अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है, जिसे एड्रेनल ग्रंथि हम कहते हैं। उसके नीचे पांचवा है दैट इज थायमस ग्रंथि। क्या बोलते हैं? थायमस ग्रंथि। उसके बाद जो आपका पीनियल ग्रंथि, क्या कौन सी ग्रंथि है? पीनियल ग्रंथि। ये पीनियल ग्रंथि जो है ये आपके कहां पे पाई जाती है? इंसुलिन कहां से निकलता है? इंसुलिन कहां से निकलता है? अग्नाशय से। वहां कौन सी ग्रंथि है? कौन सी ग्रंथि है? कौन सी ग्रंथि है? पीनियल। वहां से निकलता है क्या? इंसुलिन। क्या निकलता है? इंसुलिन। किस ग्रंथि से जो है इंसुलिन निकलता है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अगर हम वैसे बात करें तो आगे जो है इसके यहाँ पे अब आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियों में। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो मुख्य मुख्य ग्रंथि यहाँ पे, तो और इसमें बता जरा थोड़ा और थोड़ा इसको बता के रखा, पैनक्रियास ग्लैंड कौन सा है? पीयूट्री ग्रंथि, जो आपकी ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करता है, रेगुलेशन ग्रोथ होती है, कंट्रोल फंक्शन, जितना भी शरीर का आपका कंट्रोल है वो सारा कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। कौन सा करता है? पीयूष ग्रंथि। उसके बाद थायराइड जो है ये आपके शरीर का बैलेंस मेटाबॉलिज्म और साथ में बैलेंस ग्रोथ जो है वो आपके शरीर की दिखता है, ये गले के पास पाया जाता है। उसके बाद देखें आपका पैराथायराइड जो है ये कंट्रोल कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी, दैट इज इंपॉर्टेंट। पैराथायराइड वैसे ही आपको जनरल नॉलेज के लिए कि आपका जो कैल्शियम है उसे जो सेटलमेंट करता है पैराथायराइड करता है। एड्रेनल जो है वो आपका
प्री फेस बॉडी ऑफ द इमरजेंसी, जैसे आपका इमरजेंसी में कोई वर्कआउट होता है तो उसे सारा कौन देखता है, एड्रेनल देखता है। और यहाँ पे पैनक्रियाज की हमने बात की थी, पैनक्रियाज जो है इंसुलिन इंसुलिन छोड़ता है और ये अग्नाशय में होता है और ये कंट्रोल द ग्लूकोज ऑफ लेवल ऑफ द बॉडी, यानी कि ये आपके शरीर का जो ग्लूकोज लेवल है ये उसको क्या करता है, मेंटेन करता है, उसको ये बना के रखता है। उसके बाद बात करें टेस्टिस, ये जो है टेस्टोस्टेरोन, ये जो कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। उसका ओवरीज ओवरीज की बात हम करें, यहाँ पे कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये इसका करता है। तो ये था आपका अंत ग्रंथियां और बाह्य ग्रंथियां। बाह्य ग्रंथियां जो आपको लार है मुंह में, जो आपकी आंखें हैं श्वेत, जो भी कान आंख नाक और हृदय जितने भी यहां से निकलता है, जो आपको बाहर के रूप में निकलता है, बाहर की तरफ जो निकलता है बाह्य ग्रंथि कहा जाता है। और जो अंदर की तरफ जो बहते हैं उन्हें हम अंतर्ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्ग्रंथि। तो ये था आपका एक सिस्टम जो अंतर्ग्रंथि है और इसमें जो क्वेश्चन रहता है सबसे इंपॉर्टेंट वो पीयूष ग्रंथि है, उसके बाद पैनक्रियाज है, ये ग्रंथियां आपकी रहती है। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, क्या नाम है सबसे बड़ा? यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। तंत्रिका तंत्र पे बहुत काफी क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। अगर हम यही चीज की बात करें, अपने अग्नि वीर की बात करें, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी जो क्वेश्चन आते थे पेपर में, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो है यही आता है कि सबसे बड़ा तंत्र कौन सा है? कौन सा तंत्र है? सात तंत्र है शरीर के, जो तंत्र है जैसे परिसंचरण तंत्र है, मानव जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, पाचन तंत्र है, एंड ये सारे अंतस्रावी तंत्र है, ये सारे तंत्र है, उनमें सबसे बड़ा तंत्र कौन है? तंत्रिका तंत्र। कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। दोस्तों तंत्रिका तंत्र जो है, वैसे तो हमारे शरीर में जो हमारी वैधता के अनुसार 72,72,108 नाड़ियां सूक्ष्म हमारे शरीर में हैं। इतनी सूक्ष्म नाड़ियां हैं पतले धागे की तरह है कि जो दिखाई भी नहीं देती है। सर्जरी के दौरान जब हम व्यक्ति सर्जरी करते हैं तो जो बहुत बड़े बड़े सर्जन होते हैं वो इन चीजों का बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई ना कोई नस, लेकिन फिर भी हमारी जो चमड़ी है उसके अंदर जो है मुख्य मुख्य नाड़ियां तो आपके सामने ये नीली ये दिखाई देती हैं आपको, जो जो आपकी शिराएं और धमनियां ये तो दिखाई देती हैं, लेकिन इसके भी जो तंत्र है, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे पैर में एकदम से सांप आ जाता है, अगर सांप है तो एकदम से मैं पैर ऊपर को निकालूंगा, ये कौन सा तंत्र है, ये कौन सा तंत्र है जो एकदम से मेरे को मैसेज कर रहा है? इसी तंत्र को हम बोल देते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं? तीन तरह के तंत्र हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और उसके बाद स्वाधीन तंत्रिका तंत्र ऑटोमेटिक, दैट इज ऑटोमेटिक। फॉर एग्जाम्पल केंद्रीय तंत्र, केंद्रीय तंत्र जो आपके दिमाग में है, यानी कि जो आपका दिमाग है वो सबसे बलशाली है। अगर व्यक्ति का जो दिमाग है वो अगर पावरफुल नहीं है तो व्यक्ति चाहे जितना मर्जी घट्टा घट्टा हो, कुछ भी हो, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। अगर मैं दूसरी भाषा में बात करूं, द सॉफ्टवेयर, आपका हार्डवेयर तो आपके सामने है, वो हार्डवेयर के बारे में हम पढ़ेंगे कैसे वो बना है, लेकिन जो आपका सॉफ्टवेयर है उसका जो बाप है उसका नाम है मस्तिष्क। क्या है? मस्तिष्क, जिसे हम दिमाग बोलते हैं। दिमाग पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र में जो लगातार क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ आपके ज्ञान के लिए कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और केंद्रीय तंत्र जो मैंने अभी आपको बताया, तो ऑटोमेटिक सिस्टम क्या है, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं वो एक रैम होती है एक रोम होती है, तो जो रोम होती है वो रीड ओनली मेमोरी है और जो रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। उस तरह की मेमोरी जो मेमोरी डिलीट नहीं की जा सकती वो सिस्टम के अंदर रहती है और स्वतः काम करती है। ठीक है, वैसे अगर आपने गाड़ी एक बार सीख ली, आपको गाड़ी चलाना आ गई, तो एक मैसेज चला जाता है सिस्टम में, एक नर्व सिस्टम में मैसेज चला जाता है कि कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ स्पीड बढ़ानी है, पैर अपने आप चलते हैं। इसे मुख्य दो इसके पार्ट है, एक जहां पे आपका मस्तिष्क है ये, और जहां पे आपका मेरु रज्जु है, जो आपके बिल्कुल जहां पे रीढ़ की हड्डी का लास्ट मन का होता है वहां पे मेरु रज्जु होता है, और उसे छोटा दिमाग भी कहा जाता है। केवल क्वेश्चन है कि छोटा दिमाग किसे कहा जाता है? मेरु रज्जु को। और जो ऊपर वाला दिमाग है वो आपके सामने है। तो इस सिस्टम में अगर बात करें, और ये क्वेश्चन जैसे ईईजी इलेक्ट्रो फेरोग्राफ, दैट इज द, इसमें क्या है कि मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने किया जाता है, यानी कि
दिमाग अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है ईईजी। क्या है ईईजी? ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार आ चुका है कि ईईजी किसके लिए उपयोग में लाया जाता है। तो जो ईई है, ईईजी है, वो किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? मस्तिष्क कार्य को पता लगाने के लिए। इन जो तीन तंत्र जो है, इन तंत्रों को अगर हम थोड़ा और अच्छी बारीकी से अगर हम पढ़े तो मैं आपको यहाँ इस माध्यम से, यहाँ से आप देखें थोड़ा सा, ये केंद्रिका, ये तंत्रिका तंत्र है। इस सिस्टम को यहाँ से समझाने के लिए, ये आपका नर्व सिस्टम है। मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है नर्व सिस्टम। इसी छोटी सी बात है, एक बार पैर हाथ और दिमाग सब में लड़ाई होती। उसने बोला मैं बड़ा, उसने बोला मैं बड़ा, उसने बोला कि बड़ा कौन है? तो दिमाग बेचारा सो गया। हाथ बोलता भाई अगर मैं काम ना करूं तो तुम खाना नहीं खा सकते। टांगे बोलू मैं चलू नहीं तो तुम कमा नहीं सकते। ऐसे करते करते पेट बोले अगर मेरे पास जगह ना हो तो तुम खा के रखोगे कहाँ पे। आंखें बोले अगर तुम देखोगे नहीं तो तुम कमाओगे कैसे। पूरे शरीर में लड़ाई होगी। और सबने ये बोला कि जो दिमाग सबसे ऊपर बैठा रहता कुछ नहीं करता, तो सब दिमाग के पीछे पड़ गए और कहा कि तू तो सर बेकार है, तू तो करता कुछ नहीं है, तू तो किसी का काम कर ही निकम्मा है। दिमाग चुपचाप बैठ गया। दिमाग ने बोले ना तो मैं कहीं जाता हूँ, ना मैं देखता हूँ, कुछ नहीं करता, मैं तो सिर्फ बैठा हूँ। तो दिमाग ने क्या किया? दिमाग ने बोला भाई साहब ऐसा है, दिमाग शांत हो गया, यानी दिमाग उदासीन हो गया, उदास हो गया उसको, मतलब कि अब उसको इंटरेस्ट नहीं रहा। अब ना वो किसी को ऑर्डर नहीं दे रहा था। हाथ को ऑर्डर देता तो हाथ काम करता, आंख को ऑर्डर देता तो आंख जाती, कान को ऑर्डर देता तो सुनता, वो टांगों को ऑर्डर देता चलती वो। तो इस तरह क्या हुआ, पूरे का पूरा शरीर निस्थिर हो गया। और जब निस्थिर हो गया तो आखिर में सब जो लोग हैं वो दिमाग के पास गए जाके, बोलते यार कि ये तो पता नहीं तू करता क्या है, लेकिन है तो सबका बाप, है तो सबका बाप। उसी चक्कर में ये जो बाप है ये किससे जुड़ा है? नर्व सिस्टम से। किससे जुड़ा है? नर्व सिस्टम से। केंद्रीय तंत्र, केंद्रीय तंत्र में सेंटर, इसमें कौन कौन आता है? ब्रेन आता है, मेरो जो जिसकी हम बात करते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के कितने भाग है? तीन भाग है, तीन, आगे वाला, मध्य वाला और पीछे वाला। उसके बाद है आपका परिधीय तंत्र। इसमें क्या है, ये नर्व सिस्टम में देखिए आप यहाँ पे तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, और दूसरी तरफ क्या है? ऐच्छिक तंत्र। क्या है? ऐच्छिक तंत्र। आप ऐच्छिक तंत्र में देखिए एकदम से आप आ गई अच्छी, अगर आपको बिना इच्छा की छींक आ गई तो वो जो तंत्र है उसका मतलब कि आपकी नाड़ियों में कोई रुकावट थी या आपके कोई सिस्टम में हल्की फुल्की कोई प्रॉब्लम थी, तो उसी को करते हुए उसने अनैच्छिक वहां पे क्या कर दिया आपको, संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्र का। प्रेरक मतलब एकदम जैसे आपकी आंख है, आपके कान है, इनमें जितने भी वहां पे कोई भी हलचल होती कुछ भी होता है तो वो जो है ऐच्छिक तंत्रिका के अनुसार रहता है। स्वायत्त तंत्र, इसमें क्या है? अनुकंपी तंत्र है, और साथ में क्या है? पैरा, यानी पैरा अनुकंपी तंत्र। तो ये जो तंत्र है इसी के ऊपर अगर मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सिर्फ आर्मी की ही मैं बात करूं या अग्रवीर की मैं बात करूं या एसएससी की मैं बात करूं, तो यहाँ पे ये वाला तंत्र जो है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, एक क्वेश्चन तो वैसे बन जाता है कि सबसे बड़ा तंत्र कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्र है? तंत्रिका तंत्र। उसके बाद आप देखें, आप जो तंत्रिका तंत्र है इसको थोड़ा और हम अच्छे से समझे तो यहाँ पे हम पाएंगे कि इस तंत्रिका तंत्र में हम आप इसको देखते हुए नर्व सिस्टम में, ये आपका दिमाग है। क्या है ये? आपका दिमाग। इस दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई भाग है दिमाग शरीर में तो वो है दिमाग। क्या है? दिमाग। अगर आपका दिमाग अच्छा है, प्रॉपर काम करता है, तो आप देखें आप मतलब जितना किसी का दिमाग तेज होता है बोलते ये इंटेलिजेंट है, ये थोड़ा कम इंटेलिजेंट है, ये बिल्कुल नकम्मा है। ये सारी चीजें किसके आधार पे कही जाती है? दिमाग के आधार पे। किसके दिमाग पे? दिमाग के आधार पे। दिमाग में है क्या क्या? ये है अग्र मस्तिष्क, ये आपका अगले वाला भाग, ये आपका मध्य, ये है आपका प्रमस्तिष्क, और ये आपका है मध्य मस्तिष्क। मध्य मतलब यहाँ जैसी है, और यहीं पे आपका जो मध्य मस्तिष्क है वहीं पे सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है सबसे बड़ी, वो है पीयूष ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि है, सॉरी मास्टर, सबसे बड़ी नहीं, मास्टर ग्रंथि, सबसे मास्टर जो सबको चलाती है, आज्ञा चक्कर, जहां पे मैं तिलक किया मैंने, यहाँ पे होता है आज्ञा चक्कर। क्या होता है? आज्ञा चक्कर। और इसी के यहाँ से निकलती है आपसे, और ये किसमें, ये क्वेश्चन आता है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई, शरीर के दिमाग के किस भाग में पाई जाती है, तो उसका नाम है पश्चिम मस्तिष्क। कौन सा है? पश्चिम मस्तिष्क। जो पश्चिम मस्तिष्क है वहां पे पाई जाती है। उसके बाद अनुमस्तिष्क, आप देखें कि उस मस्तिष्क के साथ वहां से यहाँ पे अगर आप देखें तो रीढ़ की हड्डी का एक पार्ट जो है ऊपर आपके स्केलेटन के साथ यहाँ पे जुड़ा है, और ये सीधा किसके साथ जाके जुड़ा है? मेरुरज्जु के साथ। किसके साथ जुड़ा है? मेरुरज्जु के साथ। तो मेरुरज्जु भी है, ये तंत्रिका तंत्र में मेरुरज्जु भी जो है उसे छोटा दिमाग कहा जाता है। और जैसे मैंने कहा कि एकदम से कुछ आ जाता है तो ऑर्डर कौन करता है, और मैंने अभी आपको बताया 72,72,108 जितनी भी नाड़ियां हैं, सूक्ष्म नाड़ियां हमारे शरीर में हैं, जिनको ऑक्सीजन
और आध्यात्मिक जगत से पवित्र किया जाता है या उसको और ज्यादा फास्ट ट्रैक में और अच्छी वर्किंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वो आपके उसके अलग अलग तरीके हैं जो व्यक्ति आजकल यूज करते हैं। तो आपने अभी देखा इसके तंत्र का तंत्र के बारे में पढ़ा, जो मुख्य क्वेश्चन है इसको जो वहां पे अगर इसका कोई टेस्ट होता है तो दो टेस्ट होते हैं, एक तो होता है जैसे ईईजी है और उसके बाद है आपका एमआरआई, क्या है एमआरआई, दैट इज एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज एंड ईईजी इलेक्ट्रो फेरोग्राफ। तो यहाँ पे आप देखें कि ये ईईजी जो है दिमाग की जो कार्य प्रणाली है उसको ये देखता है, और सबसे बड़ी बात है मस्तिष्क को किससे ढका गया है, कपाल से, किससे ढका गया है कपाल से, जिसे खोपड़ी कहते हैं, क्या बोलते हैं खोपड़ी, भाई साहब क्या बोलते हैं खोपड़ी। तो यहाँ पे आपने अभी देखा कि इससे जो चीज हमने पढ़ी वो था आपका नर्व सिस्टम, नेक्स्ट इस पे